लीडर ऑफ अपोजिशन ने बार बार अलग आंकड़े बदले, मतलब लेफ्ट बीच के और लोगों के, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आंकड़े बदले किसने हैं। आंकड़े तो इनके सरकारी आंकड़े बदलते हैं, जैसे 2020-21 में जो इन्होंने बजट किया, पेश किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 1,55,645 करोड़ का किया, लेकिन करते करते एक्चुअल जो एस्टिमेट आया बाद में वो 1,35,909 का है। आंकड़े किसने बदले? इसी प्रकार से 2022-23 में इन्होंने बी दिया 1,77,235 और आरी दे दिया 1,64,000, जबकि अभी इन्होंने दिया ही नहीं। 1,77,000 से जो है रिवाइज एस्टिमेट भी दे दिया 1,64,807 का, और अब ये मेरे पास स्टेट डेट के बारे में है। 2021 में हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पर 2,27,697 करोड़ कर दिया डेट। सीएजी ने कहा, रिपोर्ट आ चुकी सीएजी की, 2,79,967 है, और आरबीआई कहता है 2,62,331 है। इसी प्रकार से 22-23 का सीएजी का कितना बताया जी आपने? 2,62,331 में 2,62,331 सीएजी का 2,79,967 79,967 आरबीआई का एकदम था। ये मैं 2021 और 22-23 में इन्होंने कहा गवर्नमेंट ने कि हमारे पर 2,43,779 करोड़ का है, जबकि आरबीआई का रिपोर्ट है मेरे पास ऑथेंटिक, वो है कोई नहीं बड़ा, ये आरबीआई का, ये आरबीआई की रिपोर्ट है। आरबीआई कहती है कि 22-23 में 2,87,266, तो आंकड़े मैं बदल रहा हूँ, ये बदल रहा है उसी हिसाब से आंकड़े। ये आरबीआई का स्टेटमेंट 19, टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, सारी स्टेट गवर्नमेंट, ये कहता है हमारे 2,43,779 है और आरबीआई कहता है 2,87,266 है, मतलब 44,513 का गैप है, 44,513 करोड़ का गैप। तो उस संबंध में कहना आंकड़े इनके बदले हुए हैं, लीडर ऑपोजिशन के बारे में कह रहा आंकड़े वो अलग अलग दे रहे हैं, आंकड़े तो मुझे इनके हिसाब से दूंगा, जबकि असलियत क्या है? असलियत मैंने कहा था आपको कि इस साल 4,00,000 करोड़ से ज्यादा असेट लोन लाइब्रेरीज हो जाएगी सरकार के, है क्योंकि इंटरनल डेप जो है 23-24 का जो है 2,85,885 ये इनके बजट में दिया है। उसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट जो स्मॉल सेविंग है, कैश ने रिपोर्ट जो लाइब्रेरी ऑन अकाउंट ऑफ दिस दिया है 36,809 करोड़ रुपए, जो ईयर मार्च एंडेड 2022 में, एज पर पास ट्रेंड जनरली 3,000 से 4,000 करोड़ इंक्रीज हो रहा है हर साल में, तो इसका मतलब अमाउंट जो है इट इज लाइकली टू गो 44,000 हो जाएगा पब्लिक अकाउंट डेपोजिट स्मॉल थिंग का जो है। उसके अलावा लोन टेकन बाय स्टेट पी पब्लिक एंटरप्राइजेस ये जो है 21-22 का जो है वो 47,221
11 करोड़ है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ मिनिस्टर की खुद की असेंबली की स्टेटमेंट है कि करोड़ के बदले वर्तमान में 47,211 करोड़ आ गए हैं। ठीक है, ये हो गया। ये कब का स्टेटमेंट है? डेट तो है ये 21/3/2023। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल लायबिलिटी जो है वो 46,193 करोड़ डिस्काउंट तो फॉर फ्लेक्सी बिल हरियाणा गवर्नमेंट ने पे करने हैं, और वो और अनपेड सब्सिडी जो है वो है, और वो मैं नहीं कह रहा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये है उदम है, उदम होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये निकलता है, बिजनेस स्टैंडर्ड में निकाला उन्होंने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओन 97,000 करोड़ टू डिस्काउंट, हरियाणा टॉप्स में 46,193 करोड़, तो अभी कौन से लेकर अभी 2-4 महीने पहले की बात है, 27 सितंबर 2021। ये लिखा हुआ उनकी रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है पावर उसका, हाईएस्ट गवर्नमेंट ड्यूज आर इन हरियाणा वेयर डिस्कॉम आर ओन ₹46,193 करोड़, राजस्थान इज वेयर अनपेड सब्सिडी अमाउंट इज हाईएस्ट ₹18,313, हाईएस्ट जो है हरियाणा का, दिस इज नॉट माय, मेरा आंकड़ा नहीं है ये, हवा नहीं मारा हुआ। तो इनका आप वो करें जोड़ लगाए इनका तो होता है 4,23,229 करोड़। अब ये तो इस मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसी बात को मैं बार बार इनको कह रहा हूँ, और ये सब जो है ना हरियाणा गवर्नमेंट को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ व्हाइट पेपर इश्यू करें, क्यों संकोच कर रहे हैं ये, क्यों इधर उधर की बात कर रहे हैं, बात व्हाइट पेपर इश्यू कर रहे हैं, सेटिस्फाइड मतलब यह है कि 3/2023 तक का वो जो लायबिलिटी जो है उसमें इंटरनल डेब्ट, पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट, लोन टेकन बाय स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस जो आउट ऑफ बजट दे रखते हैं, कर्नाटक में तो ये बजट में इंक्लूड करते हैं, लेकिन आउट ऑफ बजट ऐसी लायबिलिटी तो है ना, और एडिशनल लायबिलिटी पेबल बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू ऑल सर्विस प्रोवाइडर आर सप्लाई जो 31/3/2023 तक देंगे, तो मैं कह सकता हूँ उसके आधार पे जो लोन और लायबिलिटीज 4.5 लाख करोड़ के करीब हो जाएगा, 4,23,000 करोड़ बताया। अभी देखे ये कहते हैं हमारी बहुत पोजीशन इंप्रूव हो गई है, 2014-15 से 2023 तक मैं बताता हूँ स्टेट लायबिलिटी इंक्रीज कर दी 4 टाइम्स, जो 14-15 में थी वो 4 गुना बढ़ गई, फिर कहते हुए हमारी जो SGDP बहुत बढ़ गई है, जबकि SGDP तो बढ़ी है 2.1%, 2.1 टाइम्स, और ये बन गई 4 टाइम्स, बढ़ गया 4 टाइम्स, तो ग्रोथ ऑफ स्टेट लायबिलिटी मच हायर देन द स्टेट इनकम, तो इस हिसाब से हम पंजाब वाली डेफिनेट में फंसने वाले हैं, उस सिचुएशन में फंसने वाले हैं, हालांकि मैं बैक टू बैक लोन की बात नहीं करा जो GST में 4,000 करोड़ का था, क्योंकि है तो वो भी लायबिलिटी
लेकिन ये अपने उसमें रेवेन्यू शिफ्ट में हरबारी ऐड कर रहे हैं, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शन है कि वो इसको इंक्लूड ना किया जाए, इतने कुछ 2000 मिलियन है उसको छोड़ के फिस्कल डेफिशिएंट जो जो नॉर्म्स होते हैं, एक क्या आपको मैंने बताया स्टेट लायबिलिटी बता दिया 4 times बढ़ गई, उससे फिस्कल लायबिलिटी जो 13 में थी 2.07% ऑफ एलजीपीटी एलजीडीपी की 2.7% थी फिस्कल हमारी डेफिशिएट 13-14 में, वो 3.29 22-23 में हो गया, और जो रिवाइज एस्टिमेट्स आएगा उसमें मेरे ख्याल में 3.5% हो जाएगा, मे बी एडिशनल 20 साल पर आने वाला होगा। इसी प्रकार से जो आपका स्टेट डेट टू एलजीडीपी रेशियो वाज 15.1% इन 2013-14 वो 25.78 हो गया 22-23 में, एंड इफ रिवाइज स्टेट डेट पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट स्मॉल मनी स्टेट डेट बिलो द टेकन इनटू अकाउंट तो इट विल एक्सीड 32.4। स्टेट का जो इकोनॉमी का ये बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू 77 एसएसओ जो रिपोर्ट है इनकम ऑफ फार्मर पर फैमिली इन हरियाणा स्टेट इज 22,841 पर मंथ विच इज अराउंड 2,75,000 पर ईयर, इसका मतलब 150 रुपये के करीब हो गया। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि फैमिली इनकम एनुअल इनकम एज पर पीपी जो परमानेंट परेशानी पत्र है उसके उसके 2.5 lakh हैव बीन कवर्ड अंडर किरायु आयुष्मान भारत, नाउ 20.93 lakh फैमिली विल बी कवर्ड इन दैट, सो एज द गवर्नमेंट इज एडमिटिंग दैट देयर आर अबाउट 30 lakh फैमिली हुज इनकम इज लेस देन 2.5 lakh पर एनम, और 3 lakh फैमिली ऐसी हैं जिनकी 1 lakh पर एनम से कम है, तो कहां इकोनॉमी होगी इस हालात में। इन सब सरकमस्टेंसेस पर फैमिली इनकम और रुपीज जो दिखा रहे हैं ऊपर जीडीपी के इसमें 14,83,325 इन जस्ट इमेजिनरी, एंड हेंस गवर्नमेंट इज रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट पीसीआई पर कैपिटल इनकम डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि है वो क्या रहा है 15 लाख कैसे दिखा रहे हैं फैमिली की गुड़गावा और फैजाबाद की इनकम जोड़ के, वैसे तो कोई मतलब ही नहीं उनका सारा टोटल करके हमने वो कर दिया निकाल दिया डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाल के देखे पता लगे कहाँ खड़े हैं। 90% जो फैमिली उनकी लेस देन 5 lakh मिलेगी इनकम, सब मिसगाइडेड पिक्चर देते हैं ये जैसे वो करते हैं। अब ये इनका एक रिवाज बन गया इन्फ्लेटेड बजट, जैसे आप बजट एस्टिमेट इन्होंने दिया बजट एस्टिमेट कुछ देंगे फिर जो है एक्चुअल कुछ भी देंगे, एस्टिमेट देते मतलब 15% के करीब अंतर होता है उसमें। अब जैसे आप देखो 2015-16 में जो एक्चुअल ए ही आया टोटल जो बजट दिया था इन्होंने उसका 85%, 16-17 का 83%, 17-18 का 82%, 18-19 का 86%, 19-20 का 83%, और 20-21 में 81.4%, और 21-22 में 86%, 86.63। तो इस वास्ते इन्फ्लेटेड दिखाते हैं 15% के करीब 14-15% इन्फ्लेटेड बजट दिखाते हैं। अब इन्होंने जो है इसमें 23-24 में दिखाया है रेवेन्यू रिसीप्ट दिखाया 1,09,122 करोड़ का, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया है
1,26,073 करोड़। तो रेवेन्यू डेफिसिट 16,949 करोड़ का, तो यही दिखा दिया बी में। तो आगे क्या होगा, विच मीन्स स्टेट इनकम इज नॉट सफिशियंट टू मीट डे टू डे एक्सपेंडिचर। इसी प्रकार से गवर्नमेंट का जो इंटरनल डेब्ट है वो 64,840 करोड़, और रीपेमेंट ऑफ डेब्ट जो है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज 56,470 करोड़। प्रिंसिपल मतलब 35,222 करोड़ है, प्लस इंटरेस्ट जो है 21,250 करोड़। इसका मतलब है 8,370 करोड़ अवेलेबल है फॉर अदर एक्सपेंडिचर्स। लेकिन उसमें भी क्या है, इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो ये मिसलेनियस रिसिप्ट दिखाते हैं वो थोड़ा डेफिशिएंट होती है। देखिए इन्होंने 19-20 में मिसलेनियस रिसिप्ट दिखाई 1,778 करोड़ की, लेकिन एक्चुअल रिसिप्ट जो आई वो 54 करोड़। इसी तरह 20-21 में 3,650 करोड़ की बी दिखाई, मतलब मिसलेनियस रिसिप्ट में एक्चुअल रिसिप्ट जो है 63 करोड़ आई। इसी तरह 21-22 में 5,000 इन्होंने मिसलेनियस रिसिप्ट दिखाई, मतलब इनकम में जो क्या रेवेन्यू दिखा दी, एक्चुअल हुआ 67.5। 22-23 की आएगी, लेकिन 22-23 में भी इन्होंने 5,394 करोड़ जो है दिखाई थी मिसलेनियस रिसिप्ट, उतने से भी आएगा इधर ही 50 आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से 23-24 का जो बजट दिया है उसमें 5,200 करोड़ दिखाए मिसलेनियस रिसिप्ट। तो अगर ये माइनस कर देंगे हम ये, उसमें से मान लो 5,000 में से आया 50 करोड़ या 100 करोड़ आ गया, तो फिर सवाल आएगा कि गवर्नमेंट के लिए पैसा कहाँ है, वेयर द मनी फॉर गवर्नमेंट। सही बात क्यों नहीं, दैट इज व्हाई दे हेजिटेट टू इश्यू व्हाइट पेपर, ताकि इनका पता लग जाएगा। अब ये अब देखिए चीफ मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट कहा, स्टेटमेंट में कहा, Honorable Chief has stated in budget speech that 57,879 crores, इसका मतलब 3.5% of BE of total budget. 31.5% of BE is projected for capital assets creation. But this one, उसमें से कितना है? 10% भी नहीं, 31.5 कैसे कह रहे क्रिएशन के लिए, उसमें से इन्होंने लोन देगा इंटरेस्ट देगा, 10% भी नहीं होता इनके हिसाब से। वैसे तो कुछ भी नहीं है, वैसे तो आप देखेंगे ये इनका ए ही आएगा तो पता लग जाएगा। इसी तरह जो ये दिखाते हैं रेवेन्यू का हिसाब, इसमें ऑनरेबल गवर्नर ने कहा इन हिज एड्रेस दैट जीएसटी एंड एक्साइज कलेक्शन इज इंक्रीज बाय जीएसटी 22-23 में 26.53% बढ़ेगा, और एक्साइज जो है 22-23 में 22.47 इंक्रीज हुआ। बट इन कंट्रास्ट बजट में जो कहा उन्होंने, उसके बाद टैक्स रेवेन्यू हैज बीन रिवाइज फ्रॉम 82,653 करोड़ टू 75,714 करोड़, मतलब रिडक्शन कर दी 8.4%। इतने में मतलब कंट्राडिक्टरी बात कर 8.5% रिडक्शन किए, क्या कह रहे हैं हमने बढ़ा रखे हैं। तो इसी तरह इनकम ऑफ स्टेट, जब इनकम ऑफ स्टेट जब बढ़ती है, जब कलेक्शन उसका ऑल्सो इंक्रीज, बट द रेशियो ऑफ टैक्स टू जी एस जी डी पी डिक्रीज, ये मतलब डिक्रीज हो गया 8.1% 21-22 से, लेकर अब 22-23 में 7.6,
तो आप इस हालात में बताओ, मेरे ख्याल में दो ही कारण होते हैं इसमें, या तो लीकेज है टैक्स कलेक्शन, या डेटा जो है एसजीडीपी का ग्रोथ मैनिपुलेटेड, जो इतना एसजीपी ग्रोथ मैनिपुलेट करते हैं, दो में से एक है, या तो लीकेज मान जाओ, या जो एसजीडीपी का दिखाया है ग्रोथ वो मैनिपुलेटेड है। अब ये बार बार क्लेम कर रहे हैं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप कहना चाहता हूं, लास्ट ईयर ड्यूरिंग बजट सेशन 22-23 में ऑनरेबल गवर्नर हैज एड्रेस्ड इन द असेंबली दैट 5 लाख एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख करोड़ विल बी मेड इन द स्टेट। ये कहा 22-23 में। अब इस साल क्या कहा गवर्नर साहब ने, दिस ईयर ऑनरेबल गवर्नर स्टेटेड इन हिज एड्रेस दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 26,002 करोड़ विल बी मेड and 37,566 employment will be created। कहां तो 5 लाख, कहां मतलब आपके 37,000, कहां 1 लाख करोड़, कहां 26,000 करोड़। मतलब एक साल में इतना फर्क पड़ गया, तो आप खुद कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट क्वाइट रिवर्स टू द पर्सन एम्प्लॉयड, एमएसएमई की जो है डिग्री फ्रॉम 4,03,386 इन 21-22 टू 2,68,935 इन 22 डेज। इट मीन्स 1,34,451 पर्सन हैव बीन रेंडर्ड जॉबलेस इन हरियाणा इन जस्ट 1 ईयर। ये मेरा नहीं है, ये उधम पोर्टल का है, पोर्टल का टाइम दिया है, उधम पोर्टल का गया। ये मेरे आप रहे हैं, ये एमएसएमई का है हरियाणा, 18-19 में 2,23,787, 19-20 में 2,22,209, 20-21 में 4,08,645, 21-22 में 4,03,386 और 22-23 में 2,68,935। तो वेर इज एम्प्लॉयमेंट, जब इधर नंबर 1 हो रहा है एम्प्लॉयमेंट में। Jobless growth. This shows it is a jobless growth. Growth करके 1 लाख कर जाते हैं MSME में। इसी प्रकार से सोशल सेक्टर, आपका सरकार की जिम्मेवारी होती है सोशल सेक्टर में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर्स आर एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन में आप देखो तो इन्होंने एक्सपेंडिचर प्रपोज किया 23-24 में 20,340 करोड़ बी किया, विच इज अराउंड 2% ऑफ द एसजीडीपी अगेंस्ट 6% ऑफ रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। करना चाहिए 6% या 2%, सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं। इसी प्रकार से हेल्थ में गवर्नमेंट तो क्लेम कर रही है 11 नए मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं, और प्रपोज किया है जो 23-24 में वो 9,647 करोड़, विच इज ओनली 5.2% ऑफ द टोटल बजट, वेयर एज द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर मोर देन 8% अप टू 2020। तो हाँ, इसी प्रकार एग्रीकल्चर में 7,342 करोड़ किया है, ओनली 3.9% ऑफ टोटल बजट, जबकि 60% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर है। दिस इज ऑल, तो दिस इज फास्ट, बिल्कुल जो है जॉबलेस बजट है,
और केवल चार बार की नीति का बजट है। कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कौन पूछने वाला है। जरूरत है ये पोर्टल सरकारी है, बुड्ढा साहब एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। यस, राहुल गांधी जी को उद्यम की है, सरकार की होती है, सरकारी है। एज मैंने हरियाणा के अंदर दिया, उसका डेटा दे रहा हूँ। ये और उससे भी कम फिर एई में आ जाएंगे। एई में और बजट एस्टीमेट में ऑलवेज डिफरेंस ऑफ 15% एस्केलेटेड बजट देते हैं, जस्ट टू लोगों को दिखाने के लिए हमने इतना बढ़ा दिया, इतना कर दिया है, कुछ नहीं, इनके पास कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं। राहुल गांधी और इस मामले उनको बेल तो मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने सस्पेंड नहीं किया जो सजा है, कोई इंटरिम स्टे नहीं है। वो तो अभी सेशन में गए ना जी, तो मैं कल भी कहा था यमुनानगर में, लीगल बैटल वी विल फाइट लीगली आफ्टर सेशन कोर्ट, दे गो टू हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल, विल फाइट इन लीगल। ये जो यमुनानगर की कल रैली थी, उसके बाद अगली कोई रखी है विपक्ष आपके द्वार पर रखी है क्या? देखिए, अब तो हमारी 14 तारीख को सोनीपत में हमने रखी है ये जो रैली, अब तो हाथ से हाथ जोड़ो प्लस ये जो अपना जय भारत वो है, 14 को सोनीपत विपक्ष आपके समक्ष, तीन बाकी हैं, तीन हम करने जाएंगे नेक्स्ट डे में। अभी डेट नहीं पता, फसल की कटाई की बात रखेंगे ना, अभी तो किसान जो है फसल में समझा हुआ है, वो जो है तीन जो पार्लियामेंट्री हल्के हैं बाकी हैं वो है हिसार, एक दीवानी, एक रोहतक है। इधर थ्री पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अभी तक हमने विपक्ष आपके समक्ष नहीं की। फसल खराबे को लेके जिस तरह से चल रहा है, आप लगातार मांग करते रहते हैं कि पोर्टल देखिए, पोर्टल है या जीते लिए है, कोई ये नहीं है कोई मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन वो वही इस्तेमाल करना चाहिए जो जनहित में हो, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। अब ये तीनों, एक तो परिवार पहचान पत्र, एक यमुनानगर गया था मैं, वो प्रॉपर्टी आई डी, लोगों ने मुझे सब लिख के दिए, मेरे को देखो इतने मेरे को मिले हैं, वहाँ के व्यापार मंडल ने उन्होंने इतनी शिकायतें दी है मेरे को, बताता हूँ आपको। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेरे को मिले, ये तो किसान यूनियन के मिले, तो जो राजीव पोर्टल चलते नहीं है, करते हैं उसके लिए है ना, वो परेशान है लोग, ना मुआवजा दिया जा रहा है, इसी वास्तव मेरे का 15 दिन में देना चाहिए। ये जो 1.5 लाख के करीब जो कर्मचारी लंबित मांगे हैं, ये जो फोर्थ क्लास के एम्प्लॉय हैं उनकी है, सबको बेचारे कई कई साल से पड़े उनको रेगुलराइज नहीं करते। आपका और ये है, और ये आपका चौकीदार है, उनका है,
गांव के चौकीदार हैं उनके हैं अपने, ये नंबरदारों का है, एसोसिएट का, ये ट्रेड यूनियन का है। उन्होंने लिखा है टूटी सड़कें, शिविर उपलब्ध नहीं, हर गांव में टूटियां नहीं है, और आपका ये जो आईडी वह है जो प्रॉपर्टी आईडी, उसमें इतनी परेशानी है लोगों को, और जो कई किस्म के वहां लगा रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं जो कि अनवांटेड है, जो पुरानी बात बनी हुई है प्लॉट खाली उन पर लगा रहे हैं, अलग अलग मतलब उसमें कर रहे हैं, हर किस्म की परेशानी है। तो कोई भी वर्ग, मैंने कहा कि आप देखें कोई भी वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, सब इससे विमुख है, विमुख है। इसी वास्ते मैंने कहा यमुनानगर में लोग तो जो देखा, जो उनमें जोश देखा, मेरा भी राजनीति का बहुत तजुर्बा है, हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं आने वाली सरकार कांग्रेस की, इस सरकार से पीछा छोड़ा। एक ये बड़ा सवाल चल रहा है जी, वो क्योंकि ये पहले भी होता कि आप जब सरकार बनानी थी तो जनता का साथ आपने मांगा था, दिग्विजय आजकल ये बड़ी बात कर रहे हैं कि जो हम शर्तें लगा रहे थे हुड्डा साहब मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए हम ऐसी कोई मेरी बैठ के उनसे कोई बात नहीं की, तेरे जैसे आदमी आगे ठीक है भाई हम तो पेंशन कर देंगे, तो मेरी इनकी कोई बैठ के कोई बात नहीं, मेरे जैसे कौन आए होगा, तेरे जैसे तो बताओ, मैं तो नाम किसी का लेता नहीं, कोई वो अच्छी बात है, कोई गाड़ी भेजा होगा बिचौलिया लगा दे अपने आप, भाई अपने आप आया है भेजा, मेरे क्या पता उसने कहा क्या था, कुछ नहीं ऐसे जो कोई है तो आप मुझे जी मिल को बता दो क्या, हां भाई मिल का है, ये पूछा कैसे बता चाहिए जेजेपी का, ये नहीं चाहिए क्या कहा था, बोल बोल बात क्या कही थी, बोल बोल बात, बोल बोल बात नहीं पहले, और उनको समर्थन दो, मतलब कोई मतलब बेमायने की बात नहीं, तो दिग्विजय की सारी बातें करते हो, मैं किसी के लिए बात नहीं, अब कोई आप उसकी वो थोड़ा ये मेरी से बैठ कोई बात ही नहीं हुई, उसकी बैठ के बात ही नहीं हुई, सीधी कोई बात नहीं की मैं तो कर रखा था आपने डिक्लेयर ही देंगे पेंशन बढ़ाएंगे हम किसान के वो करेंगे जो आज कर रहे मैनिफेस्टो हमारा देख के समर्थन देते तो मैं लेता हमारे मैनिफेस्टो को मगर आप ये आपको समर्थन देते जिन बातों की जिन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है राजनीति में उनके बारे में जो ये कह के आए हो कि इनको जमुना पार करो और फिर स्वार्थ में गठबंधन कर ले क्या 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 जब तो ये आज स्थिति हो गई कि हर वर्ग इस सरकार से विमुख है गठबंधन से स्वार्थ के गठबंधन है ये जनहित के लिए नहीं है गठबंधन कर दिए बात उनकी बातों कहा था प्रोग्राम पे करेंगे मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं गाँव में जा रहे हैं दो दो दिन एक एक जिले में रुक रहे हैं कैसे देख रहे हैं इलेक्शन के कभी गाँव याद आ गए उनको समझते हैं 9 साल सोते रहो फिर गांव याद करो सर ये भिवानी में जो जज के बारे में उन्होंने कहा है? जो नौकरी को लेकर जो जज के बारे में कहा कि जज ने अगर हमारी तरह का नहीं दिया स्टेटमेंट तो जज हटवा देंगे देखिए ये कई बात इस किस्म के सवाल उठे हैं मुख्यमंत्री ने ये कहा वो कहा मैं एक ही बात जवाब देता रहा आज भी वही जवाब है किसी भी व्यक्ति को जिम्मेवार पद पे बैठ के गैर जिम्मेवाराना बात नहीं करनी चाहिए
हुड्डा साहब सीएम, हुड्डा साहब सीएम का कहना है कि कर्ज तो स्टेट का बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। आपको पहला ये है कि आपको लग रहा है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा? नहीं मैं जो आप हरियाणा ये है, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आपने सवाल पूछा है तो मेरा भी हक आपसे कुछ बात पूछने का, ये नहीं है तो नहीं होता ना। पूछो, पूरा पूछो। मैं ये पूछ रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट, आप पूरे हरियाणा में घूमते हो, एक प्रोजेक्ट बता दो ये हो रहा है तो बताओ ना। मेरे को कहने मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो मेरे को क्या कह रहे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरा जवाब दे दो। आप ये बता दो कि यहाँ रेलवे लाइन बन गई है, यहाँ मेट्रो की एक इंच बढ़ गई है, यहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, नेशनल हाईवे जो हमारे समय जो मंजूर किए हुए उनके अलावा एक आध का तो मैं कह देता सब उसी टाइम में है, और कोई मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा बन गया? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है रेलवे लाइन, इंडस्ट्रियल एरिया, कोई जमीन एक्वायर करी हो, कोई IFT बनाया हो, कोई तो बताए। IFT सारे हमारे समय में बने हुए हैं, कोई नया IFT बनाया नहीं उन्होंने, बल्कि जो महान बावल में जो लॉजिस्टिक जो हब था बनना था जिसमें 3,000 करोड़ सेक्टर में देने थे वो छोड़ दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है नहर का, दादूपुर नल भी वापस कर दी, ये तो बताया भी ये किया है मैंने। उसकी जगह सरस्वती, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होता है? आपने आप आज सरस्वती नदी बह रही है, दादूपुर नल की जगह सरस्वती नदी बह रही है, और दूसरा वहाँ से आ गया, आपने देखी नहीं जाता, वहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया क्या? अरे वो जो जाती नदी पे और पास से वो तो हमारी बनाई हुई है, वो भी मैंने पानी जोड़ा था। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में आगलों में सारी सड़क रबड़ जैसी हुई हुई है सारी, लेकिन मेरे साथ मैं सबको इन्वाइट करता हूँ, मेरे साथ चलो, मेरी तो कर कमर टूटेगी मेरे साथ चलो, आदमी दोनों मत चलो। आपको पता है ले चलो कि मतलब हमारे आदमी शादी मैं तेरी गाड़ी में बैठ तो मेरी गाड़ी में तुम्हारे सबके लिए ये जो बस चलती है ना उसका वो लो बस किराया का मैं दूंगा तुम चलूंगा, लेकिन बात सच लिखनी पड़ेगी, जहाँ खड़ा हुआ खड़ा लिखना पड़ेगा, वहाँ ये पड़ेगी। सर सर वो खड्डे मिल गए ऐसा है, अरे खड़ों में सड़क मिलेगी तुम्हारे को, सड़क में खड़े नहीं मिलेंगे, खड़ों में सड़क मिलेगी आपको। जब सीएम हरियाणा ने कहा है तुम यार मेरी जो मैंने बजट में कहा वो तो ऊपर से पूछे की आपको क्या इसको देख के लिखना पड़ेगा।